रुझान आ रहे हैं भाजपा के प्रदेश में भी और खासकर जैसलमेर पोखरण। देखिए मैं आभार और धन्यवाद करता हूं राजस्थान की जनता का और पोखरण की जनता का जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाया, क्योंकि सबका विकास और सबका विश्वास वो भारतीय जनता पार्टी ने करके दिखाया है। कांग्रेस पर विश्वास उठ गया था और भारतीय जनता पार्टी में विश्वास है। इसका प्रमाण है कि पूरे राजस्थान में, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में सब जगह भारतीय जनता पार्टी का कमल खिल रहा है। मैं पुनः पोखरण की जनता को भी धन्यवाद देता हूं और आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने बहुत अच्छा मतदान किया, सबसे पहले सर्वोच्च मतदान करना और उसके बाद में एक तरफ ही कमल खिलाना, बहुत बहुत हृदय से आशीर्वाद और शुभकामना और आभार। आपको नहीं लगता कि जैसे पोखरण जनता जो पिछली बार आपको जिताने में रह गई थी उनको कहीं कहीं तीस चीज को लेकर ये बंपर वोटिंग हो रही है? देखिए जनता का भाव है और जनता के जो भावना जुड़ जाती है वो भावनात्मक चुनाव होता है और भावना भारतीय जनता पार्टी से भी है, क्योंकि मोदी जी ने विश्व स्तर पर भारत का जो मान सम्मान बढ़ाया है वो सबसे पहले महत्वपूर्ण काम है। हम किसी व्यक्ति का विकास नहीं करते, हम राष्ट्र का विकास करते हैं। इसे राष्ट्र के विकास को और राष्ट्र की प्रगति को देख करके पूरे राजस्थान में, पूरे भारत में जो एक वातावरण बना वो है। साथ ही साथ मेरी जो भूमिका मैंने निभाई है, निश्चय ही जनता ने मेरी भूमिका को पसंद किया होगा। मैं आभार व्यक्त करता हूं। सीएम फेस को लेकर क्या यूपी में भगवा ले रहा है क्या, राजस्थान भगवा ले रहा है क्या? देखिए भगवा ले रहा है या भगवा का शिष्य आए, बात एक ही राष्ट्रवाद की होगी। हम सब ये चाहते हैं कि राजस्थान सर्वोच्च प्रदेशों में आए और अच्छे प्रदेशों में आकर के खड़ा हो और हमें आशा और विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी जो भी नेतृत्व देगा वो ऐसा नेतृत्व देंगे राजस्थान को जो राजस्थान को सर्वोच्च शिखर पर ले जाएंगे। इस बार अल्पसंख्यकों ने जो राष्ट्रवाद के नाम पे वोट दिए उसमें क्या कहना है? उनकी सूझबूझ और समझदारी है, उनको पता है कि कहाँ खड़ा रहने से हमारा हित है, इसलिए सब जो राष्ट्रवाद के साथ खड़े रहेंगे, किसका विकास हो रहा है, राष्ट्र का विकास हो रहा है, राष्ट्र के विकास में उनका भी विकास हो जाएगा, मुख्य धारा में जुड़ेंगे तो उनको लाभ भी होगा और उनको जुड़ना भी चाहिए, ये उनकी बुद्धिमता है। कांग्रेस ने बहुत सारे मतलब जिले बनाने से लेकर खूब सारे काम कराए, क्या मानते हैं चुनौती रहेगी भाजपा के लिए कम से कम इस फ्रंट पे काम करने के लिए? देखिए जिले बनाना एक अलग बात होती है, व्यवस्थाएं देनी अलग बात होती है। अब जिम्मेवारी भारतीय जनता पार्टी की है कि वहां सुचारू जिले बने और सुचारू व्यवस्था हो और निश्चय ही पोखरण को सबसे पहले जिला बनाने की मांग उठी थी और हम लोग इसको वापस उठाएंगे। भगवान करे सब ठीक रहे, अनुकूल रहे, पोखरण भी जिला बने, क्योंकि जैसलमेर जिला बहुत लंबा चौड़ा है और पोखरण स्वयं भी बहुत लंबी चौड़ी विधानसभा है, एक प्रदेश जितनी एक विधानसभा है, तो वहां जिला बनना चाहिए। पोखरण डेवलपमेंट को लेकर विशेष क्या थीम रहेगी? पोखरण में बहुत कुछ करना बाकी है, पोखरण शहर में भी बहुत कुछ बाकी है, पोखरण ग्रामीण में भी बहुत कुछ बाकी है। पोखरण एक बहुत अच्छा कस्बा भी है और पोखरण जो क्षेत्र है बहुत अच्छा है, यहाँ उपजाऊ जमीन भी है, यहाँ के लोग भी बहुत सभ्य और संस्कारवान है, पर मूलभूत पानी की कमी मैंने देखी है और मूलभूत सुविधाओं से अभी तक वंचित रहा है। हम प्रयास करेंगे लाइट, पानी, बिजली, शिक्षा और चिकित्सा, इन पर विशेष रूप से भारतीय जनता पार्टी काम करेगी।